हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जस्ट ये स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कि बाय रोप जो होते हैं, अगर उसको एक्सटेंड करना है या उसको क्लाइंबिंग करना है, तो क्लाइंबिंग करने का उसमें क्या अरेंजमेंट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो तरह के बोल्ट आते हैं, एक यू क्लाइंब भी बोल सकते हैं या बुलडोग क्लाइंब भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है जो बेस क्लाइंब होता है, उससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यू बोल्ट, जिसे कि आप बुलडॉग क्लाइंब भी बोल सकते हैं। ये फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिगर है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इसका दो पार्ट होता है। एक यू साइड होता है, जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है जो यू साइड पार्ट है, और ए वाला जो पार्ट है, ए और ए, इसको सैडल पार्ट बोलते हैं। तो इसी का मेन इंपॉर्टेंट है, और इसका जोड़ने का क्या तरीका है, इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए, ए जो है इसको एक्सटेंड करना है, ए स्लिंग आगे की ओर जा रहा है, तो इधर जो है वो ये यू बोल्ट का या बुलडॉग क्लाइंब का इधर जो है सैडल पार्ट लगेगा। जो जो वायर एक्सटेंड होने वाला है, जो रोप एक्सटेंड होने वाला है, उधर सैडल पार्ट लगेगा, और जिसका एंड पार्ट रहेगा तो वहां पे है जो हमारा यू साइड लगेगा। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपने देख लिया, इसका मतलब ये क्या है, सही अरेंजमेंट है, यानी सैडल ऑन लाइव इंड। लाइव इंड मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक देख पा रहे हैं, तो लाइव इंड हो गया। तो ये है जो ये सही अरेंजमेंट है। जबकि दूसरा पिक्चर में देख रहे हैं अल्टरनेट किया है, तो इसको अल्टरनेट नहीं करना है। यहाँ डेड इंड की तरफ है जो सैडल पार्ट कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं सैडल पार्ट है ये दोनों में यहाँ पे, और इधर एक अल्टरनेट बीच में डाल दिया है, एक गलत अरेंजमेंट है। इस तरह से इसको नहीं करना है, डो नॉट अल्टरनेट। एंड दूसरे पिक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डेड इंड की तरफ वो सैडल पार्ट कर दिया है, जबकि यहाँ पे जो लाइव इंड रहेगा उसमें है जो सैडल पार्ट रहेगा। यहाँ पे डेड इंड की तरफ है जो, देखिए आप क्या कर दिया है, सैडल पार्ट कर दिया है, जो कि गलत है, ये गलत है। अब हम बात करेंगे यू क्लैंप एंड बुलडॉग क्लैंप पे, हमने अभी बात कर लिया। अब हमें देखना है कि बेस क्लैंप क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। उससे भी हम क्या करते हैं, पैर रोप को क्लैंपिंग करते हैं, तो चलिए उस पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिक्चर जो है वो बेस क्लैंप का है, ये दोनों ही पिक्चर बेस क्लैंप है। अब इसमें एक फायदा क्या होता है कि इसमें दो सैडल पार्ट होते हैं, यहाँ दो सैडल पार्ट होते हैं, और दो इसमें स्ट्रेट बोल्ट दिखेगा। देखिए दो सैडल पार्ट है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये सैडल पार्ट है, ये सैडल पार्ट है, और बोल्ट दोनों तरफ रहता है, ये देखिए। यानी इसमें टोटल सिंगल में चार बोल्ट रहेंगे, आ इस तरह का डबल, दो सिंगल में दो बोल्ट रहेंगे, और जो सिंग डबल जो रहेगा उसमें चार बोल्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो सैडल। अब इसमें सैडल पार्ट का फायदा क्या है कि दोनों तरफ सैडल पार्ट का इसमें फायदा क्या है कि इससे क्या होता है कि स्लिंग का पूरी तरह से प्रोटेक्शन होता है, और स्लिंग डैमेज नहीं होते हैं। इसमें स्लिंग डैमेज, सीवियर डैमेज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सैडल के अंदर है, और इसके डाया के अगर हम वहाँ पे बेस क्लैंप लगाते हैं तो, और अगर उसको टाइट करेंगे तो भी है जो स्लिंग को डैमेज नहीं करेगा, यानी सीवियर डैमेज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये बेस क्लैंप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट बहुतायत हम लोग है जो बुलडॉग क्लैंप का इस्तेमाल ज़्यादा इंडिया में करते हैं, ये भी आप देखेंगे अगर पर्टिकुलर कई लोकेशन में ये भी मिलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेस क्लैंप होता है। तो बुलडॉग क्लैंप पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें दो पिक्चर दिया हुआ है, दो पिक्चर में सही कौन है और गलत कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, जो एक्सटेंड होने वाला है, तो जिधर एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा उधर क्या लगेगा, सैडल पार्ट लगेगा, जबकि इसमें क्या लगा हुआ, यू साइड लगा हुआ, तो सैडल पार्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक गलत अरेंजमेंट है। जबकि दूसरा में देख रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड पार्ट है, अगर इधर भी एक्सटेंड करना है, इधर भी एक्सटेंड करना है, तो आपका जो रहेगा एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि जो एक्सटेंड होने वाला है, उधर में हमेशा सैडल रहेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे सैडल लगा हुआ है और इधर भी सैडल लगा हुआ है। ठीक है, तो आप अच्छे से अभी समझ चुके होंगे कि बाय रोप का क्लाइंपिंग करने का मेथड क्या है, और किस तरह के तो इसके चीजों से इसको है जो क्लैंपिंग किया जाता है। यहाँ पे दो चीजों को देखा, एक है जो यू क्लैंप जिसको बोल्डअप क्लैंप बोलते हैं उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा है बेस क्लैंप उससे भी कर सकते हैं। अब अच्छे से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और है जो आप होल्ड करके देख सकते हैं।
तो चलिए मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।